कोरोना वायरस संक्रमण के चलते पूरे भारत में 3 मई तक लॉकडाउन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। लॉकडाउन का सख्ती के साथ पालन करवाने की जवाबदारी प्रशासन व पुलिस विभाग की है, जिसके लिए मैयर पुलिस ने बाकायदा मुहिम शुरू कर दी है। मैयर शहर में पुलिस विभाग द्वारा महत्वपूर्ण जगहों पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था। उन्हीं कैमरों की मदद से घरों से बाहर निकलने वालों पर नजर बनाई जा रही है। वहीं पुलिस हर एक मार्ग चौराहों पर सीसीटीवी से नजर बनाए हुए हैं। मैयर थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि कैमरे में जो भी अनावश्यक घूमते हुए दिखाई देंगे उन्हें चिन्हित कर उनकी पतासाजी की जाएगी, जिन्हें गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मैयर में जो शासकीय सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनके माध्यम से लॉकडाउन का कितना पालन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है लगातार हम लोगों के द्वारा, और वहाँ पर देख करके चिन्हित किया जा रहा है कि कौन व्यक्ति अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं, और जो लोग अनावश्यक घूमते कैमरे में पाए जाएंगे उनको चिन्हित कर उनकी शिनाख्त भी कराई जाकर उनके खिलाफ FIR की जाएगी। अभी तक कोई FIR की गई इस तरह की? अभी तक इस मामले में नहीं की गई FIR, क्योंकि अभी तक ऐसे अनावश्यक घूमने वाले अभी कुछ नहीं मिले हैं। कल शाम को मैं SM देख रहा था तो वहाँ पर कुछ पत्रकार बंधु घूमते हुए दिखे थे, उनको तो छूट प्राप्त है। अभी जो अनावश्यक घूमते पाया जाएगा उनके खिलाफ किया जाएगा कार्रवाई, और लगातार जो ड्यूटी पर लगे हैं कर्मचारी उनसे उनके द्वारा फोटोज निकाले जा रहे हैं, निकाल करके चिन्हित करके कार्रवाई की जाए। मैयर से UD News के लिए प्रेमानंद सावलानी की रिपोर्ट।